कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिलकर खेल रहे हैं, मेरा जो है ऐसा है कि वो तो पूरा बाड़मेर जैसलमेर जानता है कि वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस की बी टीम के तौर पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं कांग्रेसी थे, उनका पूरा कांग्रेस में थे। और रही बात जो कांग्रेस का प्रत्याशी, वो भी आयातित है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब पूरे प्रयास करने थे उन्होंने किए। लेकिन जनता का मत और जो समर्थन है वो नरेंद्र मोदी जी है, और मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सदस्य बन चुके हैं, और सदस्य होने के नाते देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आपके विरोध में खड़े कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता रविंद्र भाटी भी प्रचार में जुटे हैं। रविंद्र भाटी भी हेलीकॉप्टर में लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपको लगता है कि केवल सोशल मीडिया तक सीमित है या उनके पास कोई जन आधार भी है? ऐसा है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बच्चा भी मोदी जी की बात कर रहा है, बुजुर्ग भी मोदी जी की बात कर रहा है, महिला बुजुर्ग मोदी जी की बात कर रहा है, किसान भी मोदी जी की बात कर रहे हैं, आम व्यक्ति मोदी जी की बात कर रहा है। तो ये मोदी जी ने जो 10 साल में अपने तपस्या के माध्यम से देश के लिए जो काम किया है, तो मुझे लगता है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बाकी की रही बात है तो वो तो मुझे लगता है कि उनका कोई ना तो विजन है, ना ही उनकी आगे कोई सत्ता है, इसलिए जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस घोषणा करती है जब वो सत्ता में थी, ऐसा है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो आज भी मोदी जी की घोषणा ही पड़ी है, वो कर नहीं पाए, उनको सिर्फ वो घोषणा करते हैं मोदी जी और काम नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है तो ये संकल्प पत्र के माध्यम से जो 10 साल में पूरा करती है, तपस्या के माध्यम से, देश का हो चाहे प्रदेश का हो, तो मुझे लगता है कि जनता नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में जो संकल्प पत्र में अपने संकल्प लिया था वो काम पूरे हुए, आगे कोई और आगे भी जो आज संकल्प पत्र में रखा है वो पूरे होंगे। लेकिन कांग्रेस की सिर्फ घोषणाएं होती है जो थोती होती है, और थोती घोषणाओं की कभी कोई पूर्ति नहीं होती है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस चुके हैं। ऐसा है कि जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बच्चा भी मोदी 10 सालों में जो काम किए हैं, वो चाहे गरीब कल्याण के काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर काम किए हो, देश को विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया हो, अर्थव्यवस्था में मजबूत करने का काम किया हो, जो 10 साल नरेंद्र मोदी तपस्या के जनता के दिलों में जो काम किया है अपना परिवार का, मुझे लगता है कि जनता रही बात मोदी जी के साथ, ये जो घमंडिया गठबंधन है उनका कोई ना, इस गठबंधन में आज तो क्या भविष्य में कभी भी कोई प्रधानमंत्री घोषित नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि मतिरों का भरा, वो कभी गठड़ी के रूप में नहीं बन सकता, तो ये कभी एक नहीं हो सकते। इनके आपस में इतने प्रधानमंत्री के दावेदार है कि वो खुद ही एक दूसरे को काटने में लगा है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी महिला निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर 400 प्लस के साथ में राजस्थान हिंदुस्तान का आम व्यक्ति मोदी जी। ऐसा है कि वो तो पूरा बाड़मेर जैसलमेर जानता है कि वो कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस की, ऐसा है कि जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बच्चा भी मोदी जी की बात कर रहा है, कांग्रेस ही थे, मोदी जी की बात कर रहा है, महिला बुजुर्ग और मोदी जी की बात कर रहा है, किसान भी मोदी जी की बात कर रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी मोदी जी बात कर रहा है, आयातित है मोदी जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब तपस्या के माध्यम से प्रयास करने के लिए जो काम किया। लेकिन तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मत और जो समर्थन है वो नरेंद्र मोदी जी है, तो मुझे लगता है कि उनका कोई ना तो विजन है इस देश के, ना ही उनके व्यक्ति के परिवार के सदस्य बने, इसलिए जनता ने सदस्य होने के नाते नकार दिया है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।